उनका अधिकार है मेयर का बैठक बुलाने का, बैठक बुलाएं, बैठक से घबराए नहीं। मेयर साहब बैठक से घबरा जाते हैं, बैठक रात को 12 बजे कैंसिल करते हैं बिना कारण बताए। उनका अधिकार है बट कारण तो बताएं कि बैठक क्यों सही थी, कोई दैवीय आपदा आई है, कोई भूचाल आ गया, कोई भूकंप आ गया या कोई त्रासदी हो गई है, बैठक का कारण पता होना चाहिए कि बैठक क्यों स्थगित करी गई। ये तो जनता का विषय है, जनता के काम होना है। आने वाला समय ये एक आदमी की हटधर्मी है, एक आदमी की सिर्फ मनमानी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं बिल्कुल, और ये सरासर गलत कर रहे हैं। हम सरकार से भी मांग करेंगे इनको तत्काल निष्कासित किया जाए। शायद महापौर बहुत छोटी उम्र में बन गए, पहली बार उन्हें अवसर मिला, जनता ने उन्हें दिया, तो मैं तो यही आग्रह करूंगा उनके राजनीतिक भविष्य को देखते हुए कि वो अपने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। जिलाध्यक्ष से बात हुई लेकिन ये व्यक्ति मानने वाला नहीं है, क्या कारण है ऐसा? इसे तो पैसे का लालच है, इसकी दुकान चलनी चाहिए पैसे की। 11:30 बजे दिया गया है, इसकी रिसीविंग भी है और आप डायरी में चेक करा सकते हैं कि बोर्ड की मीटिंग कैंसिल हो गई। इसका मतलब इन्होंने मेयर साहब ने अपनी तानाशाही चला रखी है। इसमें कोई अपना घर का कोई प्रस्ताव नहीं था, सब जनता के प्रस्ताव थे। जैसे आप भी महसूस कर रहे हो, प्रशासन के माध्यम से करते हैं तो पार्षद इसका भरपूर विरोध करते हैं। मजबूरी हो जाएगी, हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे, शासन से लेकर के कोर्ट तक संघर्ष करेंगे। माननीय विधायक जी यहाँ बैठे हुए, हमारे MLA यहाँ बैठे हुए, नियमानुसार हमारे कार्य कीजिएगा, हमें सिर्फ अपने वार्ड के विकास से मतलब है, जनता ने हमें चुना। देखिए काफ़ी लंबे समय बाद आज बोर्ड की बैठक यहाँ उठी गई थी, चुनाव रहे बीच में बैठक नहीं हो पाई और 6 महीने से पिछले बैठक नहीं हुई है और आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी यहाँ पर, जिसे बजट पास होना था और कई विकास कार्य जो हैं वो होने थे, नाले की सफाई होनी थी, मच्छर की दवाई वगैरह छिड़की जानी है, शहर की जो व्यवस्था है वो चल रहा रही है। तो मैं समझता हूँ कि रात को 11:30 बजे बिना कारण बताए, बिना जानकारी दिए बैठक स्थगित कर दी गई, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। 40 पार्षद यहाँ मौजूद है, सभी को अपने काम कराना है, सभी को जनता को जवाब देना है, सभी चुनकर आए हैं। मैं समझता हूँ कि वोट बैठक बुलानी अति आवश्यक है और आज एक हफ्ते का समय दिया गया है कि एक हफ्ते अंदर बैठक बुलाएं, नहीं तो शासन से ऑर्डर कराकर हम लोग वोट बैठक बुलाएंगे और विकास कार्य जो है वो धरातल पर लाए जाएंगे। देखिए राजनीति का अखाड़ा नहीं है नगर निगम, काम करने के लिए निगम बनाए हैं, पार्षद चुनकर आए हैं, सभी को अधिकार है काम कराने की, सभी को जनता को जवाब देना है। मैं समझता हूँ कि मेयर साहब को बैठक जल्दी बुलानी चाहिए और बैठक करके जनता के काम सुचारू रूप से कराएं, जनता को जवाब देना है, जनता को हम लोग भी जनता से रूबरू होते हैं तो उसको काम कराएं और बैठक एक हफ्ते के अंदर बैठक बुलाएं। लापरवाही है, नगर निगम को अपडेट करना चाहिए, सरकार बने 1 महीना हो गया है, मुख्यमंत्री हमारे 6 महीने पहले बदल गए थे, आज तो मुख्यमंत्री की फोटो अपडेट नहीं हुई, हमारे गवर्नर साहब की फोटो यहाँ पर अपडेट नहीं हुई, तो नगर निगम की लापरवाही है और लापरवाही की इले कर्मचारियों को कहा जाएगा और उसकी इनको कहते हैं इसका जवाब दी से ली जाएगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन, निगम का अधिकार है मेयर का बैठक बुलाने का, बैठक बुलाएं, बैठक से घबराएं नहीं। मेयर साहब बैठक से घबरा जाते हैं, बैठक रात को 12 बजे कैंसिल करते हैं बिना कारण बताए। उनका अधिकार है बट कारण तो बताएं कि बैठक क्यों सही थी, कोई दैवीय आपदा आई है, कोई भूचाल आ गया, कोई भूकंप आ गया या कोई त्रासदी हो गई है, बैठक का कारण पता होना चाहिए कि बैठक क्यों स्थगित करी गई। ये तो जनता का विषय है, जनता के काम होने हैं। आने वाला समय बारिश का समय है, मच्छर का प्रकोप बढ़ रहा है, तो सारे काम होने हैं, इसके लिए बैठक बुलानी अति आवश्यक है। एक हफ्ते के अंदर अगर मेयर साहब बैठक नहीं बुलाते तो शासन द्वारा बैठक बुलाई जाएगी और बोर्ड प्रस्ताव मंजूर करे जाएंगे। काफी दिनों के बाद बोर्ड की बैठक होनी थी लेकिन कल रात को बोर्ड की बैठक निरस्त कर दी गई, किस कारण से स्थगित की गई है बोर्ड की बैठक हम जानते हैं, क्या कारण रहा होगा, क्योंकि मेयर गौरव गोयल ने साफ तौर पर जब दैनिक चुटकी के माध्यम से बात की तो उन्होंने फोन के माध्यम से बताया कि कुछ पार्षदों ने इस बोर्ड की बैठक से पहले ही कुछ प्रस्ताव थे जिसमें उन्होंने मोटी सेटिंग गेटिंग करी है, जिसको लेकर यह बोर्ड की बैठक स्थगित की गई है। आज पार्षदों ने विधायक प्रदीप पत्रा के साथ बैठकर बैठक की जिसमें MNA भी थे और उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर जाएंगे और एक हफ्ते के अंदर फिर से बोर्ड की बैठक की जाएगी, यदि मेयर नहीं करते तो बोर्ड की बैठक हम अपने द्वारा करेंगे। तो बात करेंगे नितिन जी और पार्षद जी, क्या कहना चाहेंगे, आपके द्वारा कल बयान भी दिया गया था कि बोर्ड की बैठक बार बार रोकी जा रही है जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, तो उसको लेकर क्या कहेंगे जिस तरह से मेयर ने आपके ऊपर आरोप लगाया कुछ पार्षदों के ऊपर? पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, परसों हमारे पास एक एजेंडा है कि बोर्ड की मीटिंग है, ठीक है, फिर एक एजेंडा सप्लीमेंट एजेंडा कल हमारे लिए 8:30 बजे विधायक जी के पास भी गया था, हमारे पास भी 8:30 बजे सप्लीमेंट एजेंडा आया। उसके बाद हम 11 बजे की मीटिंग का आया था, हम 11 बजे अपनी मीटिंग में आए तो 11:30 बजे आधे घंटे में बैठने के बाद हमें नोटिस दिया गया, ये देखिए नोटिस 11:30 बजे दिया गया है, इसकी रिसीविंग भी है और आप डायरी में चेक करा सकते हैं कि बोर्ड की मीटिंग कैंसिल हो गई। इसका मतलब इन्होंने मेयर साहब ने अपनी तानाशाही चला रखी है, इसमें कोई अपना घर का कोई प्रस्ताव नहीं था, सब जनता के प्रस्ताव थे। जैसे मच्छर है उनके लिए दवाइयों का होना था, नाला गैंग लगना था, नालियों की सफाई होनी थी और स्ट्रीट लाइटें हैं, बेंच हैं,
और नलके हैं, बहुत चीजें थी, सारे सारे सब भाइयों के प्रस्ताव थे, मगर मेयर साहब ने कोई वो नहीं करा, अपना आप तानाशाही चलाई और अपनी बोर्ड की मीटिंग कैंसिल कर दी। बात होती है, साफ तौर पे कहते हैं कि कुछ पार्षदों ने मोटिव सेटिंग करी है कुछ प्रस्ताव को लेकर। वो तो आपके द्वारा वीडियो चलाई गई थी, आपको पता होगा, मेयर साहब को पता 25 लाख रुपए मांग रखे, सब पूरी रुड़की को बताया। मेयर साहब ने कैसा एक इतने अपने समाज के व्यक्ति को, इतने बुजुर्ग आदमी को जो इतने गलत शब्द कहे गए, 25 लाख रुपए मांग रहे हैं, वो तो पूरी रुड़की ने सुना है। क्या कारण रहा होगा जिस तरह से आज बोर्ड की बैठक निरस्त कर दी? मेयर साहब ने इस नगर निगम को एक सर्कस का अखाड़ा बना दिया, ठीक है जी, प्राइवेट लिमिटेड अपनी तानाशाही चला रहे, पार्षद उनके पास नहीं है, हम बहुमत में है, तो इसलिए उन्होंने बोर्ड मीटिंग कैंसिल कर दी। उनके पास एक बोर्ड मीटिंग का ही अधिकार है, बुलाने का और टालने का, बोर्ड मीटिंग उन्होंने कैंसिल कर दी, सिर्फ इस वजह से उनके पास पार्षद नहीं है, ठीक है जी। और जो है रही बात आप कर रहे हैं आरोप की, बात आरोप हमारे किसी पार्षद के ऊपर नहीं, आरोप जो है आरोप मेयर साहब के ऊपर है। आप ही के द्वारा ऑडियो वीडियो वो चलाई गई थी जिसमें मेयर साहब 25 लाख रुपये मांग रहे थे सुबोध गुप्ता जी से, और उन्हें अपने ही समाज के सुबोध गुप्ता के साथ उन्हें बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, मतलब वो उन्हें बुढ़ा ऐसे उल्टे सीधे शब्द कहे, तो ये सिर्फ मेयर साहब की तानाशाही है। उन्होंने जो है बोर्ड मीटिंग को जो है ये जो है नगर निगम को बिल्कुल सर्कस बना लिए, सर्कस बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज बोर्ड की बैठक में ना मेयर साहब ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगा, आज विधायक जी आए थे, क्या कहना था? मेरा कहना तो यह है, देखो बोर्ड की बैठक बहुत गलत निरस्त नहीं होनी चाहिए थी, शायद विकास का काम है, सड़कों का काम है, नालियों का काम है, बरसात का मौसम है, नाला गैंग भी लगाना है, बहुत कार्य है, बजट भी पास करना है, तनख्वाह भी बटनी है, और दूसरा देखो मेयर गौरव गोयल टोटल भ्रष्टाचारी मेयर है, और मेरा मानना है भाजपा मुख्यमंत्री को उससे संज्ञान लेना चाहिए, इसे पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महामंत्री संगठन पर आपकी जो संगठन के लोग हैं उनसे पदाधिकारी उनसे बैठक भी होती है, चुनाव से पहले भी हुई थी, तो उसको लेकर आप क्या कहोगे, क्योंकि फिर दोबारा से वो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं? संगठन के लोगों से जिला अध्यक्ष में भी वार्ता हुई, माननीय राज्य सांसद नरेश बंसल से भी बात हुई, जिला अध्यक्ष से बात हुई, लेकिन ये व्यक्ति मानने वाला नहीं है। क्या कारण है ऐसा? इसे तो पैसे का लालच है, इसकी दुकान चलनी चाहिए पैसे की। बाकी मेरा मानना है पार्टी संगठन को उस पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचारी मेयर को यहाँ पर सरकार, यहाँ सरकार भाजपा की है, इसे हटाना चाहिए मेयर को। यहाँ वार्तालाप हुई है विधायक जी से, एमएनए साहब भी थे बैठक में, क्या निर्णय लिया गया? देखिएगा अचानक से बोर्ड बैठक स्थगित कर दी गई, जो कि बजट बैठक है, शहर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कर्मचारियों की सैलरी है, उसके अलावा शहर के विकास के लिए है, आगे 278 करोड़ का बजट आज हमें पास करना था, जिसका शहर का चहुमुखी विकास हो सकता, इस बैठक को इस तरह से अपरिहार्य कारण बताकर के निरस्त। किस तरह से विकास बढ़ेगा शहर का जब बोर्ड की बैठक जिस तरह से निरस्त होती जा रही है और कम समय रह गया इस बोर्ड की बैठक बोर्ड के लिए? देखिएगा महापौर जी को निश्चित तौर पर मेरी उन्हें सलाह है आपके माध्यम से कि उन्हें अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना चाहिए, उन्हें समन्वय बनाना चाहिए, बोर्ड के समन्वय के बिना शहर का विकास नहीं हो सकता। पार्षदों का सम्मान, पार्षदों के वार्ड का सम्मान विकास अगर करें, महापौर जी का विवादों से ही नाता नहीं छूट रहा। मैं फिर भी उनसे दोबारा एक बार अपील करता हूँ समाचार पत्रों के माध्यम से, आप मीडिया चैनल के माध्यम से, कि वो अपनी हट धर्मता को छोड़ें, अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाएं और शहर के विकास को गति प्रदान करें। के हिसाब से देखे जाते हैं बोर्ड की बैठक में, ऐसा क्या कारण रहा होगा जो आज बोर्ड की बैठक स्थगित की गई है? देखिएगा निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो सीधे सीधे शब्दों में महापौर को कहीं आशंका रहती है कि बोर्ड में मेरे पास बहुमत नहीं है, तो बहुमत अगर नहीं है तो बोर्ड की बजट बैठक कम से कम आपको निरस्त नहीं करनी चाहिए, बहुमत बनाने का प्रयास करो, समन्वय बनाए पार्षदों के साथ, क्यों बहुमत नहीं होगा? बहुमत आप किस पर है समन्वय? देखिएगा कार्य प्रणाली का फर्क है, महापौर की जो कार्य प्रणाली है निश्चित तौर पर परिपक्वता उसमें नहीं है, और बोर्ड की राजनीति के लिए बहुत मैच्योरिटी की जरूरत होती है, बहुत लंबे एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, शायद महापौर बहुत छोटी उम्र में बन गए, पहली बार उन्हें अवसर मिला, जनता ने उन्हें दिया, तो मैं तो यही आग्रह करूंगा उनके राजनीतिक भविष्य को देखते हुए कि वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। तो चलिए कहीं ना कहीं बातचीत नहीं बन पा रही है गौरव गोयल और पार्षदों के बीच में, एक संबंध में नहीं बन पा रहा है, जिस कारण ये बोर्ड की बैठक कह रहे हैं कि जो बहुमत ना मिलने से वो बोर्ड की बैठक से घबराए हुए, नहीं हो पा रही है जी। क्या कहना चाहोगे, क्या प्रस्ताव लाए हैं, मतलब क्या आज बैठक रही? बोर्ड की बैठक होनी थी जो 12 अप्रैल आज है, इसमें बोर्ड की बैठक रखी गई थी, और बोर्ड की बैठक के लिए हम सभी लोग सुबह इकट्ठा हुए, लगभग 11 बजे की बैठक थी, और 11 बज के 28 मिनट पर इनका एक कर्मचारी पहुंचा, उन्होंने कहा बोर्ड की बैठक स्थगित की गई है,
और आज कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो सरासर गलत। क्या निर्णय लिया? अब निर्णय ये लिया कि हम तो सरकार से, शहरी विकास मंत्रालय से, सभी से मांग करते हैं बोर्ड की बैठक तत्काल कराई जाए, रुड़की के जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनको कराया जाए। विकास कार्य रुके हुए हैं उनको लेकर आज फिर बैठक थी। देखिए, विकास कार्य बाधित हो चुके हैं, पार्षद वार्ड में जवाब देने के लायक भी नहीं रहा है क्योंकि पार्षदों के इतने काम रुके हुए। क्या हो गया? भाजपा के पार्षद, भाजपा के विधायक, भाजपा के मेयर नहीं बन पा रही है। देखिए, बन तो सबकी रही है लेकिन यहाँ पे मोनोपोली चल रही है क्योंकि मीटिंग देखिए कि होने के बावजूद ये मीटिंग को कैंसिल करा गया और हमें देखिए वार्ड में इतना जवाब देना पड़ रहा, हमारे वार्ड के काम बड़े बाधित हो रहे हैं। कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भाजपा और उसकी बात नहीं है, ये एक आदमी की हठधर्मी है, एक आदमी की सिर्फ। मनमानी कर रहे हैं? मनमानी कर रहे हैं बिल्कुल, और ये सरासर गलत कर रहे हैं। हम सरकार से भी मांग करेंगे इनको तत्काल निष्कासित किया जाए। तत्काल निष्कासित करने की बात कर रहे हैं, यहाँ के जो पार्षद साफ तौर पे कह रहे हैं भाई खुलेआम भ्रष्टाचार निगम में फैल चुका है, ऐसा आरोप यहाँ के जो पार्षद